गहरे बादल छा गए, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदे बरसने लगी, मंडी में भी बारिश, जानवरों और व्यापारियों की मुश्किलात बढ़ गई। चंद नासिर मजहबी इंतशार फैलाना चाहते हैं, अगर वो समझते हैं रियासती इदारे खामोश रहेंगे तो ऐसा नहीं है। मौलाना नूरुल हक कादरी का पेशावर में कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा हर साजिश नाकाम बनाएंगे। हमारे अजली और अबदी जो दुश्मन है हमारे सरहदों पे वो कर रहे हैं। सुन्नी और शिया, बरेलवी और देवबंदी और अहले हदीस इन इख्तलाफात को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई इस खुशफहमी में न रहे कि रियासत और रियासत के इदारे इन चीजों पे खामोश रहेंगे। थानों ही नहीं, इदारों का तनाजा भी मामला लटका देता है। विफाकुल मदारिस और हायर एजुकेशन कमीशन की नाइतफाकी ने मदरसों के तलबा को लैपटॉप से महरूम रखा। तालिबे इल्म की वजीर आजम पोर्टल पर शिकायत, शहबाज शरीफ दौर में 793 लैपटॉप देने का ऐलान हुआ था। और बिजली भरी गाड़ियां चलेंगी, इस्लामाबाद में पहला चार्जिंग स्टेशन बनाया जा रहा है, अगस्त से इलेक्ट्रिक कार चार्ज हो सकेंगे।